ये तो माधव है। माधव का खून किसने किया? खून खून, अरे किसी ने माधव का खून कर दिया। वहां से वहां तक खोद देना, सब कुछ ठीक से देख लेना। ठीक है ठीक है। और उधर का जो खेत है उसे भी देख लेना। जी जी जी। मालिक मालिक, वो क्या हुआ? माधव का खून हुआ है ऐसा मारुति ने बताया है। अबे क्या बोल रहा है तू? मैं सच कह रहा हूँ मालिक। ठीक है, जा पुलिस को फोन कर। हेलो सर, कैचा बोल रहा हूँ, रामे गांव के रामगोड़ा का नौकर। माधव का खून हो गया है सर। खून कब हुआ? कब हुआ पता नहीं सर, लेकिन उसकी लाश हमें मिली है सर। और क्या? गोड़ा जी ने पुलिस स्टेशन में फोन करने को कहा है सर। बोल दिया ना, अब फोन रख। ए, क्या शोर शराबा मचा रखा है? सर रामे गांव में माधव का खून हो गया है। फोन से मुझे बहुत डर लगता है यार, लेकिन क्या करें, ड्यूटी तो करनी पड़ेगी ना। सर मुझे भी आना होगा क्या? क्या सवाल कर रहा है सर? ऐसा है तो आप आगे और हम पीछे। नसीब है मेरा। चलो चलो। ए, चलो तू आगे, चल चल तू पीछे आना। ठीक है। चल। गौड़ा जी, ये खून कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसका कोई दुश्मन था क्या, और वो कितने साल से आपके यहाँ काम कर रहा था? साहब जी, ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता। माधव मर गया है इस बात पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वो सबके साथ अच्छा था, मैं उसको बचपन से देख रहा हूँ, हमारे घर में काम भी करता था वो। वो तो ठीक है। ये लोग कौन है? ये हमारे घर के नौकर हैं। इन दोनों में से पहले बॉडी देखने वाला कौन है? मारुति। नमस्कार सर। ये इसी गांव का रहने वाला है। सुबह जब ये नदी की तरफ गया तो उसे माधव की लाश मिली, उसने कैचा को बताया। आई सी। गौड़ा जी, उसे कोई बीमारी वगैरह तो नहीं थी? नहीं, जहां तक हमें पता है कोई बीमारी नहीं थी। ठीक, जब भी मैं बुलाऊंगा तुम दोनों को स्टेशन आना होगा। ठीक है सर। गौड़ा जी, आप भी, इसमें आपका सहयोग बहुत जरूरी है। मैं जब भी बोलूंगा आप स्टेशन आ जाइएगा। बिल्कुल आऊंगा, आप जब कहेंगे तब आऊंगा। ठीक है, अब मैं चलता। नमस्ते। चलता हूं। क्या है ये मम्मी, मैं क्या छोटा बच्चा हूँ? तो क्या बड़ा बैल बन गया है? कितना भी बड़ा हो जाए मेरे लिए तो हमेशा बच्चा ही रहेगा। मेरी प्यारी माँ। आकर। माँ मुझे भी खिलाओ ना माँ प्लीज। ए, ले ले पानी पी। ऊपर देख ऊपर देख। मामा दादाजी कब आएंगे? माँ आ जाएंगे बेटा, तू सो जा। सपने में आएंगे क्या माँ? हाँ बेटा, अब से दादाजी सपने में ही आएंगे। हे, मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ, तुम इतनी साइलेंट क्यों हो? कल से कॉलेज की छुट्टी हो रही है ना, इसलिए बोर हो रही हूँ। अरे अच्छा हुआ ना, ना पढ़ने की तकलीफ ना लेक्चरर की तकलीफ, इन सब से मुक्ति मिल जाएगी। मतलब आजाद पंछी की तरह आकाश में उड़ने का सोचा है क्या? तुम उड़ नहीं पाओगी इसलिए तुम मेरे पंख काटने का प्लान बना रही हो क्या? कैसी बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे पंख क्यों काटूंगी? मुझे तो बस तुम्हारे साथ खुले आसमान में उड़ना है। इतनी जेलेसी नहीं होनी चाहिए। इसे जेलेसी नहीं कहते हैं, इसे प्यार कहते हैं। तुम तो हमेशा मुझे गलत ही समझते हो। देखा, मैं कुछ और ही सोच रहा था। देखा देखा, तुमने फिर से गलत मतलब निकाला। इसलिए कहती हूँ तुम्हारे में दिमाग कम है। ए, मेरा दिमाग सही है। विक्की, तुम्हारा बचपना बहुत हुआ, अब कल से मैं अपने घर में रहूंगी और तुम अपने घर में रहोगे। तो मैं ये सोच रही थी कि हम कब कहाँ और कैसे मिलेंगे, तुम्हारे पास कोई प्लान है? अरे पागल, इस बात के लिए इतना क्यों चिंता कर रही हो, मैंने एक बड़ा प्लान बनाया है। पहले तुम अपने मम्मी डैडी से हमारी शादी की बात करोगे, देखती हूँ तुम में कितनी हिम्मत है। हिम्मत? मैं जरूर बात करूँगा, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम भी ना। अरे जल्दी जल्दी नारियल छील, लॉरी आ रही है, उस पर नारियल लोड करके उसे शहर भी भेजना है। माँ क्या तुम भी हमेशा इनके साथ रहती हो? अरे बेवकूफ कहीं का, वो मेरे साथ हमेशा रहा, इसीलिए तो मैंने इससे शादी की है। ओह देखा, प्यार फुर फुर करके निकल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम्हारे पिताजी ना आने जाने वाले लोगों को पैसे देते रहते हैं और बाद में ठन ठन गोपाल हो जाते हैं। अरे बाप रे, अरे तुम लोगों को कंगाल करूंगा तो तुम लोग छोड़ोगे क्या मुझे? अरे पिछले जन्म में मैं तेरी माँ का कर्जदार था जो इस जन्म में चुका रहा हूँ, अपनी माँ को कम समझ तू। माँ थोड़ा साइड में आओ ना। क्या है बेटा? साइड में आओ ना। ये माँ बेटा क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं? हम चाहे कुछ भी करें, आप चुप रहिए ना जी। ठीक है। कर रही हो माँ, मैंने तुम्हें बताया था ना कॉलेज में एक लड़की है लता नाम की, मुझे उसके बारे में बात करनी है। अच्छा? ओ भगवान, मेरी प्यारी माँ।
यस सर, राम गांव के रामेगौड़ा के नौकर की मौत का केस इस फाइल में डिटेल्स है सर। खूनी भाग गया है और इस बारे में इंक्वायरी चल रही है। सोमशेखर, इस खून के बारे में विस्तार से पूछताछ करो और जल्द से जल्द उस खूनी को पकड़ो। इतने सिंपल मैटर यहां तक नहीं आना चाहिए ना। सॉरी सर, हम खूनी को ढूंढ रहे, इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट की हमने, उसी के साथ कुछ लोगों को सिविल ड्यूटी पर लगाया। ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से गला दबाकर मारा गया है। क्या उसके कोई शत्रु भी थे? कोई भी ठीक से क्लू नहीं दे रहा है सर। एक इंस्पेक्टर को ऐसा बोलना उचित नहीं है, ये सच नहीं है। जितनी जल्दी हो सके उस क्लू तक जाओ और अपराधी को पकड़ो। ओके सर। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। यू मे गो नाउ। क्या लिख रहे हैं जी? अरे कुंडली लिख रहा हूँ। अरे कुछ भी कर लो, तुम्हारे बेटे का कुछ नहीं होने वाला है। ब्रह्मा जी ने लिखकर भेजी है ना आपकी कुंडली, आप क्या लिख रहे हैं? वो तो ठीक है, तू क्या पी रही है? पति दिन रात आंखें खुली रखकर हिसाब लिख रहा है और मुझे एक कप कॉफी देने के बजाय तू खुद भैंसे की तरह कॉफी पी रही है। अरे आपको बार बार कॉफी पिला के मैं अपना पति खो दूं क्यों? ऐसा क्या हो गया है मुझे? आपको शुगर है ना? क्या कहा, फिर से बोल। क्यों मतलब ऐसे खा खा के बैठे रहते? अरे रे 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 रे, इस वजह से नहीं हुआ है, तू मेरे दिमाग को टेंशन दे रही है ना, इसीलिए हुआ है, समझी क्या? टेंशन है बढ़िया। अरे बीपी क्यों बढ़ा रही है बोल? तांबे के गिलास में पानी पिलाती थी मेरी माँ और तू मुझे स्टील के गिलास में पानी पिला पिला कर ये रोग दे दिया मुझे। मटका लेकर आऊंगी। अरे भाई कितना भी गिन लूं 1,000 रुपया ही है, मेरे 500 रुपया कहाँ गए पता है तुझे? अरे गांव के लोगों को बुला बुला कर देते हैं ना, कभी वापस मांगा है क्या आपने? उस रंगा को उस दिन दिया था, वो वापस लिया क्या आपने? जिस किसी को भी मैंने पैसे दिए उसका हिसाब मेरे दिमाग में है, जेब में कितने पैसे हैं उसका भी हिसाब है, यहाँ और कोई नहीं है, तो चोरी किसने की? किसने चोरी किया मतलब मैंने किया? तूने चुराया है ऐसा मैं नहीं कह रहा, इज्जत से बात कर रहा हूँ, जो भी दिया उसे वापस पाने का सोच रहा हूँ। अच्छा किया, एकदम भूल जाओ और एक दिन कंगाल हो जाना, ठीक है? आ गया तेरा लाडला। अम्मा जा जाकर देख। आओ बेटा। माँ क्या है बेटा? थोड़ा साइड में आओ ना। कहाँ? साइड में आओ ना, मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे माँ। कितने बेटा? बस 1,000। बस 1,000, इतना ही? कितने आसानी से मांग लिया सुपुत्र ने, 1,000 रुपये, 1 रुपये की तरह मांग रहा है। अरे बेटा मांग रहा है पैसे तो निकाल कर दे दे। दे दूंगी, मेरे पास नहीं है क्या? ए, जेब पे हाथ नहीं डालने का होशियार। ए बेटे सामने आके खड़ा हो, तुझे घूमने के लिए कार दिलाया था, उसका नाम क्या है? वैसी बात नहीं है पापा। हाँ तो कैसी बात है, देख तुझे जैसा चाहिए वैसा कपड़ा मैंने दिलाए, गले में पहनने के लिए चेन चाहिए मैंने वो भी दिलाया, इसके अलावा फीस भरना है, ये करना है वो करना है, उसके लिए भी मैंने तुझे पैसे दिए, फिर तुझे अपनी माँ से पैसे क्यों चाहिए? क्या यहाँ नोट की छपाई होती है? वैसी बात नहीं है पापा। तो कैसी बात है? अरे आप क्यों बार बार उसे डांटते रहते हैं और ये भी बैल की तरह हाँ करता रहता है? ऐसा बेचारा डर जाएगा, चुप हो जाइए। पापा आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, कॉलेज है मतलब हम सारे फ्रेंड्स होटल में जाकर खाना खाते हैं, जब बिल आता है तो मैं अपने दोस्तों से मांग सकता हूँ क्या? मुझे ही देना पड़ता है ना। सुना क्या, बहुत बड़ा कुबेर का बेटा है, जब मांगेगा तब इसे पैसे देने होंगे। ए, अब इसे कैसे संभालना है ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है, अगर किसी एक लड़की को देकर शादी करवा दूँ तो अपने आप रास्ते पर आ जाएगा। प्लीज माँ पैसे दिला दो। ये ले बेटा, ले चुपचाप निकल जा कॉलेज, ये आप रख लीजिए। मेरा तो नसीब ही खराब है, तुझे कब अकल आएगी? अरे आपका हिसाब किताब खत्म हुआ कि नहीं? मुझे आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, यहाँ वहाँ की बात करने में असली बात तो भूल गई। बोलो। वो जो हमारा विकी है ना। हमारा विकी है ना जी। क्या है हमारे बीजी का? वो किसी लड़की को प्यार करता है। मतलब प्यार कर रहा है वो? उसकी इतनी हिम्मत कि मुझसे पूछे बिना प्यार कर रहा है वो? बोल के प्यार कर सकते हैं क्या? आप चुप हो जाइए, और वो लड़की और कोई नहीं, हमारी जात की है। अरे और वो बहुत अमीर अच्छा भी है। उसके पिताजी का क्या नाम बताया था? रामगांव के रामगौड़ा। क्या, हमारे रामेगांव का रामगौड़ा? अरे अच्छा। वो तो मेरे बचपन का दोस्त है विक्की की माँ। अच्छा, करोड़पति है वो, 1,000 नारियल के पेड़ हैं, 500 सुपारी के पेड़ हैं। हाँ, और एकलौती बेटी है। तब तो बात बन जाएगी, इन लोगों की पढ़ाई होने के बाद शादी करवा देंगे। मतलब इस जन्म में तो नहीं होगा, छोड़ बुढ़े हो जाएंगे लड़का लड़की। पर क्यों? क्या मतलब, तेरा बेटा बृहस्पति है, उसके बारे में मुझे नहीं पता क्या? देख अगले साल उगादी के त्योहार में सही समय देखकर शादी कर देंगे, क्या कहती है? ऐसा है क्या? अरे आप बहुत अच्छे हैं। सुनिए ना जी, मंदिर जाके इन लोगों की कुंडली दिखवा कर आते हैं, चलिए ना। ठीक है। अरे बाप रे।
गिरजा जी। ओ गिरजा जी, नमस्ते नमस्ते, आइए आइए आइए। नमस्ते, आपसे मिले हुए बहुत दिन हो गए थे। देखो, भगवान के दर्शन के लिए आया था, साथ साथ आपके भी दर्शन हो गए। और गौड़ा जी कहाँ हैं? वो यहाँ आने के लिए ही निकले थे, इतने में गांव में एक पंचायत आ गया, इसीलिए लोग उन्हें लेकर चले गए। और आपका बेटा बीजी के शादी के बारे में क्या सोचा है? बेटे की शादी के लिए बहुत बेसब्र हैं हम दोनों। वो अपने कॉलेज में पढ़ने वाली किसी लता नाम की लड़की से प्यार भी करता है। हम दोनों तो इससे बहुत खुश हैं, इसलिए। ये मुझे पता है, लड़की रामेगौड़ा की बेटी है, बहुत अच्छी है। आपके बेटे बीजी के लिए बहुत अच्छी जोड़ी। हमारा तो एक ही बेटा है, बिना किसी कमी के हमने उसे बड़ा किया। उसे प्यार हो गया है, इसलिए रामगौड़ा का रिश्ता हम मना थोड़ी ना कर सकते हैं। इसलिए अपनी होने वाली बहू की कुंडली दिखाने के लिए आए हैं हम यहाँ। अच्छा, गौड़ा जी को बोलिएगा मैंने याद किया। नमस्ते। नमस्ते। ओ नमस्ते। और गिरजा जी, हमारे घर कैसे आना हुआ? चलो अच्छी बात है, इतने सालों के बाद आपको हमारी याद आई तो। वैसे गोविंदा गौड़ा नहीं आए, अच्छे तो हैं ना वो? अच्छे हैं, सब बहुत खुश हैं। आपसे एक जरूरी बात करने आई हूँ यहाँ। क्या है बताइए। वो मेरा बेटा आपकी बेटी से प्यार करता है, इसलिए आपसे बात करने आई हूँ यहाँ। हम दोनों पैसे वाले हैं, हम दोनों का रिश्ता एक ही है, लड़की ने अगर हाँ कर दिया तो शंख बजा देंगे।